Hi guys, wish you a very very good morning. This is me Aisha Joshi and you are watching me on the channel of AchieveIS. So here it is 8th June, Monday, and we are going to start today's the Hindu news analysis. First of all, मैं आपको बता देती हूँ कि 8th June से मतलब आज से ही जो है नॉर्मलसी लाने की कोशिश की जाएगी. It means जो मॉल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं या टेम्पल्स हैं, रिलीजियस प्लेसेस हैं, उनको ओपन किया जाएगा ऐसे काफ़ी एरियाज़ में. जबकि काफ़ी जो स्टेट्स हैं उसमें गवर्नमेंट्स का ये डिसीज़न है कि अभी हम इन्हें ओपन नहीं करेंगे. जबकि कई स्टेट्स ये कहते हैं कि हम इन्हें जो टेम्पल्स हैं या रिलीजियस प्लेसेस हैं उन्हें ओपन करेंगे, लेकिन कुछ सिक्योरिटी मेजर्स के साथ में. ये सारी चीज़ें आज के इस न्यूज़पेपर में हम कवर करेंगे, ठीक है दोस्तों. द फर्स्ट न्यूज़ इज़ रीस्टोर अप्रैल स्टेटस अलोंग LAC. आपको पता है कि LAC से रिलेटेड काफ़ी इश्यूज चल रहे हैं. लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से रिलेटेड चाइना और इंडिया के बीच में काफ़ी जो है डिप्लोमेटिक इश्यूज, हम कह सकते हैं पॉलिटिकल इश्यूज चल रहे हैं. तो डिप्लोमेटिकली इस मैटर को सॉर्ट आउट करने के लिए इंडिया और चाइना के बीच में जो कन्वर्जेशन हुई उसके तहत ये डिसीज़न लिया गया कि हमें इंडिया का ये कहना था कि हमें अप्रैल वाला जो स्टेटस है वो फिर से चाहिए और LAC के साथ में, ठीक है. LAC से रिलेटेड जो स्टेटस अप्रैल में था हमें वापस वही रिस्टोर कराएं. इट मींस दैट 5th और 6th May से जो है ये सारे कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो गए थे. इट मींस इन इनिशियल स्टेज ऑफ मे जो है ये कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो चुके थे. एंड इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट अप्रैल, तो इसका मतलब यह है कि मई से पहले अप्रैल में जो इश्यूज थे, अप्रैल के अंदर जो आपका स्टेटस था इंडिया और चाइना रिलेशनशिप का, हमें वही कंटिन्यू करना है. इट मीन्स ये जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको ओवर करते हुए हमें एक वापस से जो हम कह सकते हैं नॉर्मलसी लाने की कोशिश करनी होगी. ऐसा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का कहना था जब हमारी उनसे बात हुई. ये बिल्कुल कॉर्डियल और हम कह सकते हैं पॉजिटिव टॉक था, और पॉजिटिव सेंस में इसे कहा गया कि हमें पॉजिटिविटी चाहिए, हमें नॉर्मलसी चाहिए. वी डोंट वांट टू गो फर्दर फॉर एनी टाइप ऑफ डिस्कशंस और इश्यूज एट ऑल, ओके. सो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको पूरा टाइमलाइन दे रखा है कि 5th-6th May से जो स्टार्ट हुआ इंडिया और चाइना के बीच में, ट्रूप्स आ गए थे, चाइनीज़ और इंडियन ट्रूप्स ने जो है वो लद्दाख वाले एरिया में एक दूसरे को जो है ओवरकम करने की कोशिश की. एंड उसके बाद में उसका रिज़ल्ट ये निकला कि काफ़ी सारे लोगों को लार्ज नंबर ऑफ़ पीपल्स को जो है इंजरीज भी फेस करनी पड़ी दोनों साइड के, है ना. उसके बाद में नाकुला जो कि नॉर्थ सिक्किम में है वहाँ पे दोनों ट्रूप्स के बीच में डिस्प्यूट्स, क्लैशेस देखे गए. उसके बाद में आर्मी चीफ ने जो है स्टेटमेंट दिया ये कहते हुए कि एग्रेसिव बिहेवियर को कहते हुए दोनों साइड्स के बीच में थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट किया गया. उसके बाद में 18th May को चाइना अक्यूजेज इंडिया ऑफ ट्रेसपास, एलिगेज इलीगल इंफ्रा वर्क ऑन LAC, ओके. तो LAC पर इलीगल इंफ्रा वर्क करने के कारण चाइना ने जो है इंडिया को हम कह सकते हैं पॉइंट आउट किया. और उसके बाद में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ये कहा, हिंडरिंग नॉर्मल पेट्रोल्स, ये कहा गया मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स द्वारा चाइनीज़ ट्रूप्स को, ठीक है. उसके बाद में चाइना से सिचुएशन स्टेबल एंड कंट्रोलेबल, चाइना ने सिचुएशन को स्टेबल और कंट्रोलेबल बताया. और उसके बाद में जो है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने ये कहा चाइनीज़ ट्रूप्स से कि प्रेजेंट इन LAC चाइनीज़ ट्रूप्स जो है वो अभी LAC पर प्रेजेंट है और इवन बड़ी मात्रा में प्रेजेंट है ना. उसके बाद में सेसी होल्ड्स वीडियो कॉन्फ्रेंस विद चाइनीज़ MFA डायरेक्टर जनरल, जो सेसी है उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू चाइनीज़ MFA जनरल डायरेक्टर जनरल से कॉन्टेक्ट किया इस मामले में, ठीक है. इसके बाद में 6th June को मिलिट्री कमांडर्स टॉक टू ऑन चाइनीज साइड ऑफ LAC. LAC में चाइनीज साइड की तरफ से मिलिट्री कमांडर्स ने बात की, ठीक है. ओवरऑल अगर हम बात करें तो कॉम्प्लिकेशंस जरूर हुए थे, रेज किए गए थे, और काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस के बाद में अल्टीमेटली अब दोनों जो है सरकारों का ये फैसला है, दोनों ही जो स्टेट कंट्रीज़ हैं उन्होंने ये डिसीज़न लिया है कि हम वापस से
नॉर्मल से रीस्टोर करने की कोशिश करेंगे। और अप्रैल में इट मींस जैसे रिलेशंस, नॉर्मल रिलेशंस जो चल रहे थे इंडिया और चाइना के बीच में, हम उन्हीं को कंटिन्यू करेंगे और उन्हीं पर वर्कआउट करेंगे, ठीक है। द नेक्स्ट इज हिजबुल मिलिटेंट्स। हिजबुल मिलिटेंट्स आपको पता है कि टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में काफ़ी हाथ होता है इनका, इवन काफ़ी अच्छा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड टू ऑल दीज जो हम कह सकते हैं एक्टिविटीज़ के चलते काफ़ी। तो इसी एक्टिविटीज़ के चलते जम्मू कश्मीर में जो है 5 हिजबुल जो मुजाहिदीन मिलिटेंट्स जो है उनका इनकाउंटर किया गया। उसमें टॉप कमांडर भी शामिल थे और उनकी वहाँ पे शोपियान डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर जो है वहाँ पर उनका एनकाउंटर किया गया। ओके, सो इट इज़ ऑल अबाउट हिजबुल मिलिटेंट्स। द नेक्स्ट इज 800 मॉन्यूमेंट्स विथ प्लेसेस ऑफ वर्शिप सेट टू ओपन टुडे। आज से जो है वापस ओपन होने जा रही है वर्शिप प्लेसेस, रिलीजियस प्लेसेस, मॉल्स एंड रेस्टोरेंट्स विल बी ओपन फ्रॉम बाय टुडे। द नेक्स्ट इज 800 मॉन्यूमेंट्स जो है वो ओपन होंगे विथ प्लेसेस ऑफ वर्शिप, आज से ओपन होंगे लेकिन पूरे सिक्योरिटी मेजर्स के साथ में। प्रहलाद सिंह पटेल, इट मींस जो हेल्थ मिनिस्ट्री जो है हेल्थ डिपार्टमेंट है, उन्होंने ये कहा है कि हम बिल्कुल सेफ्टी नॉर्म्स के साथ में ही इस तरह की चीज़ों को आप अप्लाई कीजिए। इट मींस अगर मॉन्यूमेंट्स और वर्शिप प्लेसेस ओपन करते हैं तो यू शुड गो फॉर सिक्योरिटी मेजर्स और सेफ्टी मेजर्स। ओके, एंड डेफिनेटली जैसे दौर से हम गुजर रहे हैं या अभी रिसेंटली जिस तरह के दौर से निकल कर बाहर आए हैं, ये हमारी ज़रूरत है कि हम सिक्योरिटी मेजर्स को फॉलो करते हुए आगे बढ़ें, है ना। और जैसे कि मॉल्स या बहुत गैदरिंग वाले प्लेसेस जहाँ ओपन हो रहे हैं वहाँ पे ये बिल्कुल सिक्योर्ड मैनर में चलना चाहिए, बिकॉज इट इज़ नॉट दैट मच नॉर्मल और ईजी टू गो फॉर। ओके, द नेक्स्ट इज 6 स्टूडेंट एलिगेज असॉल्ट कम्युनल स्लर बाय आईपीएस ऑफिसर। बेसिकली एक आईपीएस ऑफिसर द्वारा 6 स्टूडेंट जो है उसके साथ में 6 स्टूडेंट ने ऐसा जो है असॉल्ट के अगेंस्ट जो है उन्होंने उसने जो है फाइल किया है, हम कह सकते हैं अगेंस्ट जो है वॉइस रेज की है। उसका ये कहना है कि आईपीएस ऑफिसर द्वारा मेरे साथ में जो है इस तरह की हरकत की गई जिससे कि कहीं ना कहीं मेरे जो हमारे रिलीजियंस जो सेंटिमेंट्स है उसे हर्ट किया गया। इट मींस कहीं ना कहीं हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट किया गया। उसके जो बाल है 6 स्टूडेंट के उसे जो है पकड़ के और खींचा गया, ऐसा उसका कहना है। ओके, इट वॉज सेड एंड he says the ASP has apologized to him and he has accepted it. okay, ASP ने उसके सामने apologize किया और उसने उसे accept भी किया, ठीक है। और obviously it is actually a thing जो उसके religious sentiments को जो है कहीं ना कहीं हर्ट करता है। बाय पुलिंग हिज हेयर्स द IPS is was definitely in that mode where he was hurting the religious sentiments of that particular student or person. Okay, so we should not, I can say, touch the religious sentiments of any individual. So the next is hospital ties men to bed for not paying bills. It is actually heartbroken. Actually ये incidents है मध्य प्रदेश का जहाँ पे एक hospital, private hospital के अंदर एक पर्सन को, 80 इयर्स ओल्ड पर्सन को बेड से जो है टाइप कर दिया गया, बांध दिया गया। और उसका रीज़न सिर्फ ये था कि उस पर्सन के पास में बिल्स पे करने के लिए पैसे नहीं थे, सो उसे हॉस्पिटल के अंदर ही टाई कर दिया गया। और ये जो पिक्चर है ये काफ़ी वायरल हुई, यू कैन सी, देख सकते हैं आप यहाँ पे। एंड मध्य प्रदेश CM चौहान प्रोमिसेस एक्शन अगेंस्ट प्राइवेट फैसिलिटी, और ये मध्य प्रदेश के CM द्वारा कहा गया है, शिवराज सिंह चौहान द्वारा, कि हम इसके अगेंस्ट जो है ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल है, प्राइवेट फैसिलिटीज़ जो प्रोवाइड करवा रहा है हॉस्पिटल जहाँ पे इस तरह की बदसलूकी की गई है, हम उसके अगेंस्ट डेफिनेटली, आई प्रोमिस यू दैट आई एम गोइंग टू टेक एक्शन अगेंस्ट इट। ओके,
सो गवर्नमेंट शुड डेफिनेटली टेक एक्शन अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर हॉस्पिटल और इंडिविजुअल पर्सन, बिकॉज बेसिकली इस तरह की चीज़ें कहीं ना कहीं उन लोगों को हर्ट करती है जो एक्चुअली जो अफोर्ड नहीं करते, बिल्स पे नहीं कर सकते, और उन्हें वो भी 80 ईयर्स ओल्ड पर्सन को टाई अप कर देना ओनली बिकॉज ऑफ दिस रीज़न इज़ बेसिकली नॉट लॉजिकल. ओके, सो गवर्नमेंट शुड टेक एक्शन अगेंस्ट इट. द नेक्स्ट न्यूज़, सो हेयर इट इज़, ओडिशा प्लान्स मेगा एजुकेशनल कॉम्प्लेक्सेस फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स. ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए ओडिशा गवर्नमेंट ने इस तरीके का मेगा एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स जो है प्लान किया है कि ऐसे ऐसे एजुकेशनल मेगा कॉम्प्लेक्सेस क्रिएट किए जाएंगे जहाँ पर ट्राइबल स्टूडेंट्स को जो है एजुकेशन प्रोवाइड करवाया जाएगा. ठीक है, ये अपने आप में फ़र्स्ट इनिशिएटिव है इस तरह, अपने आप में जो है इस तरह का फर्स्ट इनिशिएटिव है जो कि उड़ीसा गवर्नमेंट द्वारा लिया गया है. ऑल दी थ्री कैंपसेस विल हैव स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी, जो है स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाएगी. इन तीन तरह के कैंपसेस को ओपन किया जाएगा जहाँ पर ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए एजुकेशनल वर्क किया जाएगा. ठीक है, और जो फर्स्ट टू ट्वेल्थ क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं वो सभी इस एकेडमिक स्पोर्ट्स स्किल्स या अदर एक्टिविटीज़ में शामिल होने के लिए एलिजिबल होंगे. ठीक है, इट वाज ऑल अबाउट उड़ीसाज़ न्यू इनिशिएटिव. द नेक्स्ट इज़ इन गुजरात रिलीजियस प्लेसेस टू रीओपन टुडे. गुजरात में आज से जो रिलीजियस प्लेसेस हैं वो रीओपन हो जाएंगे अगेन. एंड हेयर जो नॉर्मलसी है वो लाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन उसके साथ में ये ध्यान रखा जाएगा कि प्रेयर्स जो है वो अलग अलग शिफ्ट में ऑर्गेनाइज की जाएगी. अदर देन दिस टोकन सिस्टम विल बी देयर. टोकन सिस्टम प्रोवाइड करवाया जाएगा जिसके तहत ईजीली कोई भी मंदिर में एंटर नहीं कर पाएगा. विथ टोकन यू विल बी एबल टू गो फॉर एनी रिलीजियस एक्टिविटी. ओके, और इसके बारे में महाराष्ट्र ने अभी तक कोई पर्टिकुलर डिसीजन नहीं लिया है इस कंसर्न में. इसके अलावा गोवा टेंपल्स नॉट ओपनिंग, गोवा के जो टेंपल है वो ओपन नहीं हो रहे. और भी कई सारे ऐसी जगह है जहाँ पे ये डिसीजन लिया गया है कि हम लोग अभी नहीं ओपन करेंगे टेंपल्स को जब तक हमें ज़ीरो केसेस फाइंड आउट नहीं हो जाते, है ना. और काफ़ी ऐसी जगह भी है जहाँ पर ये डिसीजन लिया गया है कि हम लोग 10th से ओपन करेंगे. सो छत्तीसगढ़ कम्प्लीट्स 37 ईयरली टारगेट अंडर मनरेगा इन जस्ट 2 मंथ्स. मनरेगा की जो स्कीम है, ये जो स्कीम है जिसके तहत रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाया जाता है और इंडिविजुअल को, ये जो स्कीम है इसके तहत लास्ट 2 मंथ्स में जो है 37% टारगेट को अचीव कर लिया है. साल के ईयरली जो टारगेट बनाया जाता है उसका 37% टारगेट छत्तीसगढ़ में कंप्लीट किया जा चुका है. इट मींस लोग जो कि अनएम्प्लॉयड हैं वो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हुए इस तरह की एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेकर के सरकार को पॉजिटिविटी या सरकार को पॉजिटिव रिजल्ट्स शो कर रहे हैं और सरकार उन्हें उसके लिए पे कर रही है, है ना. सो इट इज़ अ गुड थिंग दैट टाइमली वेजेस जो है उनको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं और उसी के बेसिस पर वो बिल्कुल मोटिवेशन के साथ में इस तरीके से वर्क कर रहे हैं कि उन्होंने साल का जो टारगेट है उसका करीब 37% कंप्लीट कर दिया है. तो उम्मीद है कि आने वाले टाइम में वो बहुत जल्दी एक लार्ज नंबर ऑफ जो परसेंटेज है वो कवर कर लेंगे. ठीक है, और अपने आप में ये एक अच्छा अचीवमेंट भी है छत्तीसगढ़ के लिए कि इस तरह से लोगों के अंदर जागरूकता फैली है और जो माइग्रेंट्स हैं या हम कह सकते हैं जो बाहर रह रहे थे अब अपनी सिटीज़ में आए, वो लोग भी अपनी ही सिटीज़ में रहकर अपने एरियाज़ में अपने विलेजेस में रहते हुए वर्क कर रहे हैं और अर्न कर रहे हैं. ठीक है, द नेक्स्ट इज़ अपर हैंड. एडिटोरियल एनालिसिस ले रहे हैं अब हम. अपर हैंड बेसिकली इट इज़ ऑल अबाउट दी राज्यसभा इलेक्शंस. अभी हमने बात किया था लास्ट 2 डेज पहले कि 4 सीट्स के लिए राज्यसभा इलेक्शन किए जाएंगे और ये जो राज्यसभा इलेक्शन की जो बैटल है, ये जो राज्यसभा बैटल है ये बीजेपी के हाथ में गई है. अभी तक तो 2 सीट्स जो है मेजॉरिटी के साथ में कंटिन्यूसली बीजेपी जीत चुका है, लेकिन अभी भी जो है शॉर्टेज हो रही है 1 सीट की, है ना, राज्यसभा में. सो बट इट इज़ अलोंग विथ इट्स पार्टनर. लेकिन अगर बात करें तो पार्टनर्स के साथ में कंटिन्यूस एफर्ट्स के साथ में ये ग्रेजुअली अपवर्ड जा रहा है ना. बीजेपी का जो ग्राफ है वो कंटिन्यू अपवर्ड्स जा रहा है.
दो, द हाफ वे मार्क इज़ स्टिल सम डिस्टेंस अवे, लेकिन फिर भी अभी भी अगर हम बात करें तो अभी भी आधा रास्ता, आधा जो मंजिल है वो काफ़ी दूर है, और मंजिल पर वर्क करने के लिए गवर्नमेंट नीड टू वर्क, नीड टू पुट और आई कैन से इम्पोज हार्ड एफर्ट्स, ओके, एंड अ स्ट्रिंग ऑफ लॉसेस इन स्टेट इलेक्शन इन रिसेंट ईयर्स स्लोड. देखिए बेसिकली हुआ क्या है, अब जो रेस चल रही है एक सीट के लिए भी, वो सिर्फ इसीलिए चल रही है क्योंकि जो स्टेट्स है या अलग अलग एरियाज़ है वहाँ पर जो स्टेट इलेक्शंस की अगर हम बात करें तो बीजेपी गवर्नमेंट जो है वो कहीं ना कहीं लैक कर गई. उसका रीज़न था कि पर्टिकुलर स्टेट्स में मेजॉरिटी होना या जो हम कह सकते हैं लीडिंग जो गवर्नमेंट्स है, लीडिंग पार्टीज़ है, रूलिंग पार्टीज़ है, वो अपने आप में काफ़ी स्ट्रॉन्ग वर्क करती है उन एरियाज़ में. तो उसके चलते उन एरियाज़ में बीजेपी का पकड़ जो है उसको लॉस्ट हो जाना, या फिर हम कह सकते हैं उसका कहीं ना कहीं पीछे रह जाने का कारण स्टेट गवर्नमेंट्स है, और स्टेट गवर्नमेंट्स के कारण ही या स्टेट इलेक्शंस और उनकी जो मेजॉरिटी है उसी के बेसिस पर ये कह सकते हैं कि आज राज्यसभा इलेक्शंस में कहीं ना कहीं बीजेपी लैक कर रही है. ठीक है, बीजेपी इज़ करेंटली द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन राज्यसभा. राज्यसभा में करीब 75 मेंबर्स के साथ में बीजेपी अपने आप में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है. ठीक है, टुगेदर विथ इट्स ऑल अलाइज, लेकिन अगर हम सारे अलाइज को लेकर बात करें, सारे नॉमिनेशंस को लेकर बात करें और इंडिपेंडेंट मेंबर्स को लेकर बात करें तो करीब जो है 245 में से 102 सीट्स जो है वो बीजेपी कवर कर लेती है, जबकि कांग्रेस जो है अपने आप में लोएस्ट कैटेगरी, लोएस्ट जो ग्राफ पे है जिसके अंदर 39 मेंबर्स हैं. ठीक है, इसके अलावा कांग्रेस और उसकी फ्रेंडली पार्टीज़ की बात करें तो 73 बन जाते हैं, 39 कांग्रेस के ही मेंबर्स हैं, जबकि बाकी जो है उसमें से लेफ्ट पार्टीज में से 6, टीएमसी से 13, एसपी से 8, एनसीपी से 4 और अदर जैसे जदयूज है और या आईयूएमएल है, केरला कांग्रेस है, इन सब से मिलाकर ओवरऑल जो है 73 मेंबर्स हो जाते हैं. बट दीज नंबर्स आर फ्लूइड एज पार्टीज हैव होप्ड इन साइड्स डिपेंडिंग ऑन इशूज, और ये जो पूरी ये जो नंबर है ये जो नीचे चलते चले जा रहे हैं वो अपने आप में जो है ये शो करते हैं कि पार्टी कहीं ना कहीं लोगों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर रही है, और जहाँ पे ये मेजॉरिटी के साथ में आगे बढ़ रही है वहाँ पे लोगों के लिए बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है. अनादर कोहर्ट ऑफ पार्टीज़ दैट लार्जली फेवर द रूलिंग डिस्पेंसेशन इंक्लूड दी बीजू जनता दल, बहुजन समाज पार्टी, TDP एंड TRS. ये सब कांग्रेस की जो है डिस्पेंसेबल पार्टीज़ कह सकते हैं हम इन्हें, जो कि कांग्रेस को सपोर्ट करती है. ठीक है, ऑन जून 19 की अगर बात करें तो इलेक्शंस जो है वो ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं 24 राज्यसभा सीट्स के लिए. ओनली पार्ट ऑफ एग्जिस्टिंग वैकेंसी अक्रॉस 10 स्टेट्स एंड द रूलिंग पार्टी अपीयर्स टू बी ऑन एन ओवर ड्राइव और टू मैक्सिमाइज इट्स नंबर, अपने नंबर्स को मैक्सिमाइज करने के लिए जो है स्टेट्स जो है 10 स्टेट्स के करीब जो रूलिंग पार्टीज़ है वो यहाँ पे दिखाई देंगी. ठीक है, द लैक ऑफ मेजॉरिटी इन द राज्यसभा वॉज कंसिडर्ड हिंड्रेंस फॉर द बीजेपी इन द फर्स्ट टर्म में बीजेपी के लिए जो एक रुकावट पैदा करता है वो राज्यसभा में मेजॉरिटी की कमी करता है. ठीक है, उसी तरीके से पर्टिकुलरली फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म, स्पेशली अगर हम बात करें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी का जो है सपोर्टिव भी साबित हो सकता है, लेकिन उसका जो हिंड्रेंस है वो भी साबित हो सकता है. द पार्टी डिवाइज्ड अ ड्यूबियस रूट टू बाईपास द अपर हाउस इन लॉ मेकिंग बाय आर्बिट्रली लेबलिंग बिल्स एज मनी बिल दैट नीड अप्रूवल ओनली बाय द लोकसभा. द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ दिस ब्लेटेंट अप्रोच वॉज चैलेंज्ड इन द सुप्रीम कोर्ट वेयर द केस इज नाउ लिंगरिंग. बेसिकली वॉट इज हैपनिंग, द पार्टी डिवाइज्ड अ ड्यूबियस रूट टू पास द अपर हाउस इन मेकिंग बाय ओके, देखिए बेसिकली लॉ मेकिंग जो इशूज है उसको देखते हुए लॉ मेकिंग सारे इश्यूज जो है वो अपर हाउस में किए जाते हैं ना, अपर हाउस से होते हुए जाते हैं, जबकि वहीं अगर मनी बिल्स की बात करें तो वो लोकसभा में अप्रूवल, उन्हें लोकसभा का अप्रूवल चाहिए होता है. तो अगर कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी की बात करें तो द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ दिस बिल ब्लेटेंट अप्रोच वॉज चैलेंज्ड इन द सुप्रीम कोर्ट. ये इस बारे में कि मनी बिल लोकसभा से क्यों होता है और बाकी के जो केसेस हैं लॉ मेकिंग प्रोसीजर वो अपर हाउस से क्यों होता है,
तो ये सारे प्रोसीजर्स के बेसिस पर जो है लॉ जो हम कह सकते हैं अगेंस्ट जो है सुप्रीम कोर्ट में जो इसको चैलेंज भी किया गया था, तब जो अभी तक लटका हुआ है, बीजेपी हैज़ मैनेज टू मस्टर दी नंबर्स इन द राज्यसभा फॉर कंट्रोवर्शियल लॉज दैट एडवांस इट्स सोशल एंड पॉलिटिकल एजेंडा इन इट्स सेकेंड टर्म. अपने सेकेंड टर्म में कुछ सोशल और पॉलिटिकल एजेंडा को फॉलो करते हुए एडवांस लॉज को शामिल करते हुए कंट्रोवर्शियल इश्यूज जो है कंट्रोवर्शियल लॉज है उसे भी काफ़ी हद तक अपने आप में बीजेपी ने मैनेज किया है. लास्ट जुलाई की अगर बात करें तो लास्ट जुलाई द मुस्लिम वुमेंस रिलेटेड जो है प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन मैरिज बिल जो है पास किया गया था, ठीक है. एंड डिस्पाइट अपोजिशन टू सम ऑफ द प्रोविजंस, कई सारे प्रोविजंस के चलते NDA, JDU और अन्नाद्रमुक कई पार्टीज़ ने जो है अपोजिशन भी रेज किया था इस मामले में. ट्रिपल तलाक बिल भी बहुत पॉपुलर है जिसे BJP द्वारा सॉर्ट आउट किया गया, रिसेंटली पास किया गया. और उसके अलावा सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल की बात करें, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज की अगर बात करें, तो इस तरह के बहुत, जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो वो अपने आप में बहुत बड़ा मैटर है. तो इस तरीके के कई सारे स्टेप्स जो है, कई सारे मूव्स जो है बीजेपी गवर्नमेंट द्वारा लिए गए हैं और लोगों द्वारा उन्हें काफ़ी सपोर्ट भी मिला है. हाँ, कुछ एरियाज़ में, कुछ क्षेत्र में जहाँ लोगों को नहीं लगा ये एक अप्रोप्रिएट एक्शंस ले रही है सरकार, तो वो अपने आप में एक अदर जो है मैटर है. बट स्टिल वी कैन से कि सरकार अपने आप में एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस शो कर रही है खुद का, है ना. और अपने आप में कैसे सारे मैटर्स को लेकर सॉर्ट आउट करते हुए चलना है, इन मैटर्स को जो बीजेपी गवर्नमेंट अपने लेवल पे सुलझा रही है, ठीक है. ही रिजाइंड एंड हैज़ फाउंड, देखिए ये बात की गई है, कांग्रेस चीफ व्हिप दैट इज़ भुवनेश्वर कलिता वॉज, इन्होंने जो है कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत जो है एक्शन लिया था या उसके अगेंस्ट वो सेंटर मूव्ड दी जम्मू कश्मीर एंड रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का जो को जो है सेंटर ने पास आउट किया था 5 लास्ट ईयर August 5 को. पिछले साल अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर से रिलेटेड जो मेन प्रोविजन है या मेन एक्ट है उसे फाइल जो है किया गया था, पेश किया गया था. और इसके तहत कलिता, भुवनेश्वर कलिता ने जो है कांग्रेस चीफ वे भुवनेश्वर कलिता वॉज नाउ वेयर टू बी सीन, कहीं ना कहीं उन्हें वो न्यूज़ में नज़र आई थी इस मुद्दे को देखते हुए. उन्होंने रिज़ाइन भी किया था और राज्यसभा से पीछे भी हट गई थी BJP के टिकट के बेसिस पर, ओके. एंड द TDP लॉस्ट 4 ऑफ इट्स 6 मेंबर्स एंड समाजवादी पार्टी, TDP ने अपने 4 मेंबर्स को खो दिया था, 6 में से 4 मेंबर्स जो है वो खो दिया था. और समाजवादी पार्टी ने 3 लोगों को जो है पिछले साल, 3 ओवर द लास्ट ईयर, मतलब 3 लोगों को पिछले साल खो दिया था, ठीक है. BJP ऑल्सो हैज़ अ यंगर बेंच इन द हाउस ऑफ द एल्डर्स कंपेयर्ड टू द कांग्रेस. कांग्रेस से कंपैरिजन में अगर बात करें तो काफ़ी यंगर बेंच है बीजेपी के पास में, ठीक है. इट इज़ नॉट दैट द लैक ऑफ मेजॉरिटी हैज़ स्टॉप द BJP फ्रॉम डूइंग वॉट इट वॉज डिटरमाइंड टू, किस चीज़ को लेकर डिटरमाइंड है बीजेपी, तो ऐसा नहीं है कि मेजॉरिटी के नहीं होने पर बीजेपी रुक जाएगा, अपने आप को रोक देगा वो करने से, ऐसी बात नहीं है. बीजेपी अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट है, स्ट्रॉन्ग लीडर्स हैं, और कोई भी जहाँ तक मैंने देखा है पिछले कई दिनों में तो, और जैसा कि आर्टिकल शो करता है दैट कोई भी हिंड्रेंस जो है वो एक रूलिंग पावर को या हम कह सकते हैं पावरफुल पर्सन को स्टॉप नहीं कर सकता, ठीक है. सो वी कांट इमेजिन दैट BJP इज गोइंग टू बी स्टॉप्ड बाई डूइंग ऑल दीज थिंग्स एंड ऑल, नो, नथिंग लाइक दैट. स्टिल द पार्टी इज लीविंग नो स्टोन अनटर्न टू विन द मेजॉरिटी फॉर इट्सेल्फ एंड पार्टनर्स. पार्टनर्स और खुद के लिए BJP ऐसा कोई मील का पत्थर जो है, या हम कह सकते हैं कोई ऐसा पत्थर अनटर्न नहीं छोड़ रही, स्टोन अनटर्न नहीं छोड़ रही है जिससे कि उन्हें कहीं ना कहीं लॉस देखना मिला. ऐसा कोई मुद्दा छोड़ ही नहीं रही. BJP इज़ गोइंग टू टेक एवरी ईच एंड एवरी इंडिविजुअल मोमेंट टू टेक ओवर, ओके. और अपनी मेजॉरिटी को क्विट करने का जो इरादा है वो अभी तक BJP में कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है. द नेक्स्ट इज प्रॉफिट नॉन प्रॉफिटियरिंग. बेसिकली इट इज़ ऑल अबाउट स्टेट्स जो है उन्होंने अपने आप में
ये COVID-19 के चलते काफ़ी अच्छे स्टेप्स लिए और काफ़ी अच्छे जो है रेगुलेट किया, चार्जेस रेगुलेट किए हैं। बट बेसिकली प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने भी बहुत मैक्सिमम लेवल पर जो है चार्जेस इम्पोज किए हैं। और ये जो अगर हम बात करें, स्टेट्स हैव डन वेल टू स्टेप इन टू रेगुलेट चार्जेस फॉर COVID-19 केयर इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में काफ़ी चार्जेस और देखने को मिले, काफ़ी चार्जेस जो है वो रेगुलेट हुए हैं स्टेट्स के अंदर। और अपने आप में अगर बात करें तो पेंडेमिक के जो है ये जो प्रॉब्लमेटिक कंडीशन है उसमें स्टेट्स ने अपने एक बड़े भाई की तरह रोल प्ले किया है और काफ़ी सिचुएशंस को कंट्रोल करते हुए एक मोमेंट तक बहुत अच्छे से गवर्नमेंट ने सोसाइटी को बहुत अच्छे से हैंडल्स भी किया है। बट द मूव बाय सर्टेन स्टेट्स टू रेगुलेट हॉस्पिटल फीस चार्ज इन द प्राइवेट सेक्टर फॉर COVID-19 केयर फॉल्स स्क्वायर इन दिस कैटेगरी। लेकिन उसके ये जो इतने एफर्ट्स सरकार या केंद्र सरकार या हम कह सकते हैं हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ द्वारा लगाए गए, वहीं पर कुछ प्राइवेट अथॉरिटीज़ या कुछ प्राइवेट जो हम इंस्टीट्यूशंस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, उनके जो है उनका जो ग्राफ है हाई चार्जेस का, हॉस्पिटल में बहुत बड़ी बड़ी फीसेस को चार्ज करने का, उसने जो इस पूरे ग्राफ को, बीजेपी की इस पूरे परफॉर्मेंस को जो है, या बीजेपी तो चली सेकेंडरी मैटर, बाकी जो डिपार्टमेंट्स है, मेडिकल डिपार्टमेंट है, हॉस्पिटल्स है, उनके पूरे ग्राफ को नीचे लाकर खड़ा कर दिया है। ठीक है, तो इट्स ऑल अबाउट दैट इट इज़ द टाइम टू गेट प्रॉफिट और टू गिव प्रॉफिट। सो ये आर्टिकल उसी पर बेस्ड है। ठीक है, इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट जो ये बनता है कि महाराष्ट्र वॉज द फर्स्ट टू फिक्स अ टैरिफ फॉलोड बाय गुजरात एंड तमिलनाडु। महाराष्ट्र जो है पहला जो है टैरिफ फिक्स करने वाला स्टेट था और उसी के बाद में गुजरात एंड देन तमिलनाडु। तो ये तीन ऐसे स्टेट्स हैं जिनको देखा गया हाईएस्ट नंबर ऑफ COVID-19 इन्फेक्शन, जहाँ पे एक टैरिफ फिक्स किया गया। ठीक है, सो इट इज़ ऑल अबाउट इट। हॉस्पिटलाइजेशन मिनिमम 14 डेज का होना अपने आप में जो है 7 लाख रुपए का खर्च या कॉस्ट जो है देखे गए हैं हाईएस्ट लेवल पे। तो काफ़ी देखिए बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं, बहुत सारे COVID-19 से रिलेटेड हमने ऐसे ऐसे फेसेस देखे हैं जिसके तहत प्राइवेट लैब्स ले लीजिए, प्राइवेट हॉस्पिटल्स ले लीजिए, मैक्सिमम लेवल पे फीसेस को लिया गया है और लोगों को बहुत इससे लॉसेस भी देखने को मिले हैं। बट स्टिल गवर्नमेंट वॉज टेकिंग इट्स एट इट ओन एंड गवर्नमेंट काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही थी गवर्नमेंट एरियाज़ में, है ना। सो इट इज़ ऑल अबाउट इट। द नेक्स्ट इज नेक्स्ट जो आर्टिकल इंपॉर्टेंट में जाता है, दैट इज़ नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट बट स्टिल वी आर गोइंग टू टेक इट। पेजिंग दी प्राइवेट सेक्टर इन द कोविड फाइट, कोविड फाइट के अंदर, कोविड के इस जंग में जो है प्राइवेट सेक्टर को पेज आउट किया गया है इस आर्टिकल में। इस ये जो आर्टिकल है विजय श्री येलप्पा और ए वेंकट रमन जी का है। उनका ये कहना है कि COVID-19 पेंडेमिक इज़ अनलाइकली टू डिसअपियर इन द इमीजिएट फ्यूचर। आने वाले टाइम में इमीजिएटली COVID-19 चला जाएगा ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो इस पेंडेमिक को जो है मैनेज करते हुए फुल कॉम्प्लीमेंट ऑफ हेल्थ केयर के साथ में हमें एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए इन्वेस्टमेंट और रिसोर्सेज के साथ में एक बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होगा मेडिकल फील्ड के अंदर, है ना। एंड इंडियाज़ पब्लिक हेल्थ सेक्टर हैज़ ऑलरेडी स्प्रेड इट सेल्फ थिन इन टैकलिंग द पेंडेमिक। इस पेंडेमिक को टैकल करने के लिए इंडिया ने अपने आप को, इंडिया के जो पब्लिक हेल्थ सेक्टर है उसने अपने आप को एक बहुत हम कह सकते हैं थिन लेयर के रूप में जो है थिनली जो है टैकल किया है या स्प्रेड होने से बचाने की कोशिश की है। सो इट इज़ ऑल अबाउट इट कि कैसे लेबोरेटरी सर्विसेज, हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर सप्लाई चेन्स या सेंट्रल इंटेलिजेंस सिस्टम ये किस तरीके से कार्य कर रहे हैं COVID-19 से निपटने के लिए और प्राइवेट सेक्टर्स जो है इन सारे एरियाज़ में वो कैसे वर्क कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों के बारे में, उनके स्ट्रक्चरल चेंजेस के बारे में, हेल्थ सेक्टर्स के बारे में कैसे उसमें क्या चेंजेस, क्या सीख देखने को मिली है, क्या क्या चेंजेस ला सकते हैं या क्या क्या चेंजेस इस COVID-19 के दौर में आए हैं और कैसे हम अपने इस इंफ्रास्ट्रक्चर को और भी स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है इस आर्टिकल में दी गई है। यू शुड गो फॉर इट, काफ़ी अच्छा आर्टिकल है। एंड मैक्सिमम लेवल पे आई थिंक हम इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स को यहाँ कवर कर चुके हैं। लेट्स सी अगर फिर भी कोई रह जाता है तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि तेलंगाना के अंदर जो है एक बड़ा स्पाइक देखने को मिला है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला ये यहाँ पे है, यहाँ पे डेथ रिपोर्ट्स भी देखने को मिली है।
काफ़ी हाई लेवल ऑफ केसेस देखने को मिल रहे हैं। ये आप देख सकते हैं चारों पांचों स्टेट्स का जो है डेटा दे रखा है, टोटल नंबर ऑफ केसेस एंड देन जो डेथ रेट्स हैं या डिस्चार्ज केसेस जो भी हैं, एक्टिव केसेस जो हैं, उन सब के बारे में बताया है। तो अपने आप में काफ़ी केसेस बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं हमें। 63 डॉक्टर्स जो है वो तेलंगाना में पॉजिटिव आए हैं। तो हम कह सकते हैं हेल्थ वर्कर्स खुद इन सारी चीज़ों को, इन सारे इस इन्फेक्शन को जो है लोगों से जो है हम कह सकते हैं सेपरेट करने के चक्कर में सारे हेल्थ वर्कर्स भी इसकी चपेट में आ चुके हैं। 63 डॉक्टर्स का एक साथ जो है पॉजिटिव आना अपने आप में एक बहुत बड़ा डेटा कवर करता है। सो मे गॉड ब्लेस देम एंड डेफिनेटली दे विल ओवरकम और रिकवर दिस इशू एंड डेफिनेटली अपने लेवल पे हम उम्मीद करते हैं कि वहाँ की सिचुएशंस कंट्रोल में आ जाए और सरकार को भी उसके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट एक्शंस लेने होंगे। ठीक है, द नेक्स्ट इज काफ़ी चर्चेस ऐसे हैं केरला के अंदर जो कि अपोज कर रहे हैं इस एक्शन को, कि वर्शिप के लिए जो रीओपनिंग के एक्शन है उन्हें अगेंस्ट कर रहे हैं कि वर्शिप प्लेसेस को जो है ओपन नहीं किया जाना चाहिए अभी। लेट्स सी व्हाट गवर्नमेंट इज़ गोइंग टू टेक अबाउट इट। द नेक्स्ट इज दुर्गा टेंपल जो है उसे 10 जून को ओपन किया जाएगा। ये हम बात कर रहे हैं आंध्र प्रदेश विजयवाड़ा के कर्नाका या कनाका दुर्गा टेंपल के बारे में, जहाँ जिसे ओपन करने के लिए 10th जून की जो डेट है वो डिसाइड की गई है। ठीक है, और उसके कुछ इम्पॉर्टेंट और सिक्योरिटी मेजर्स के साथ में उसे ओपन किया जाएगा। द नेक्स्ट इज़ कन्नड़ एक्टर चिरंजीवी जो है, चिरंजीवी सरजा, उनकी डेथ हो चुकी है। ही पासेस अवे एंड एट द एज ऑफ 39 ओनली एंड कार्डिक अरेस्ट के कारण उनकी डेथ हुई है। इट इज़ ऑल्सो बैड न्यूज़ फॉर अस। एंड द नेक्स्ट इज हिंदू ग्रुप्स COVID-19 कैंपेन विंस ग्लोबल अवार्ड। हिंदू ग्रुप जो है उसने 2 ग्लोबल अवार्ड जीते हैं INMA इंटरनेशनल न्यूज़ मीडिया एसोसिएशन के थ्रू। ग्लोबल मीडिया अवार्ड्स 2020 विन अप किया है ना। सो दिस ईयर द कॉम्पिटिशन रिसीव्ड 922 कंट्रीज़ जो है 16 कैटेगरीज और 262 न्यू ब्रांड्स के साथ में 44 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। उसमें से 2 अवार्ड जो है वो हिंदू ग्रुप को मिले हैं। ठीक है, एंड अवार्ड्स वर गिवन अंडर ग्रुप 1 रिप्रेजेंटेटिंग रीजनल लोकल ब्रांड्स एंड ग्रुप्स 2 प्रेजेंटिंग ग्लोबल नेशनल ब्रांड। रीजनल ग्लोबल ब्रांड्स को फर्स्ट अवार्ड जो मिला है वो एक फर्स्ट जो अवार्ड है वो ग्रुप 1 को मिला है फॉर रीजनल एंड लोकल ब्रांड्स, और जबकि जो ग्रुप 2 का जो अवार्ड है वो रिप्रेजेंट करता है ग्लोबल नेशनल ब्रांड्स को। ठीक है, so it is a good thing to go for best idea to acquire and or retain advertising clients, ये जो है इसका theme रहा है। so it is a good news for us, it was all about it। the next is you should go for it, that 7 myth about online education। जैसा कि आप सभी जानते हैं ये जो अभी time चल रहा है इसमें online education को काफ़ी जो है वो पीक पर ले जाया जा रहा है। ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू जो एजुकेशन सिस्टम है वो चलाया जा रहा है COVID-19 के दौर में। सो उसके रिगार्डिंग 7 मिथ को जो है यहाँ पे क्लियर किया गया है, यू शुड गो फॉर इट, बिकॉज सभी के घर में स्टूडेंट्स हैं, सभी हम लोग खुद भी जो है ऑनलाइन स्टडीज़ करते हैं। तो ये जो 7 मिथ हैं अबाउट ऑनलाइन स्टडीज़, ऑनलाइन एजुकेशन, यू शुड गो फॉर इट, ये आपके काफ़ी डाउट्स क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, सो इट इज़ ऑल अबाउट इट। आज की सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हम कवर कर चुके हैं जितना हो सकता था। मैक्सिमम लेवल पे मैं आर्टिकल्स को आपके साथ में कवर कर चुकी हूँ, डिस्कस कर चुकी हूँ। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि कोई इशू है जो आप डिस्कस करना चाह रहे हैं, कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन मार्क है, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में जो है डाल सकते हैं। इसके अलावा लेट मी से यू कि मैंने जो आई वॉन्ट टू अपोलोजाइज कि लास्ट कल का जो वीडियो था उसके अंदर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन इशूज़ आए थे। बेसिकली इट वॉज ऑल अबाउट नॉइस प्रॉब्लम, नॉइस इशू आ रहा था, बट डोंट वरी, इट विल नॉट बी हैपन बाय द नेक्स्ट, ऐसा हम उस पर वर्क कर रहे हैं। इट वॉज जस्ट बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल इशूज़। ओके, सो थैंक्स फॉर बींग विथ मी, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड।